बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी पार्ट टू चैप्टर नंबर वन हमारा चल रहा था। आज का हमारा लेक्चर है थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल। लास्ट टाइम जो डिस्कशन की थी वो थी थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट, सो आज थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल में थर्मोरेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एक्चुअल में देखें, कोई भी जानदार है वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ हीट को एक्सचेंज कर रहा होता है, हीट लॉस कर रहा होता है, हीट गेन कर रहा होता है, ये सारा कुछ चल रहा होता है। तो बाहर के माहौल में जो चेंजिंग्स आ रही होती हैं टेम्परेचर की, उसको देखते हुए फिर उसे क्या करना पड़ता है, इन्वायरमेंट के साथ साथ अपनी बॉडी के जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना पड़ता है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई एनिमल रिक्वायर्ड टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, हीट बॉडी के अंदर जो आ रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो ज़्यादातर कहाँ से होती है? मेटाबॉलिक प्रोसेस से। मेटाबॉलिक प्रोसेस के रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इनसाइड द बॉडी। अब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस बाज़ दफ़ा क्या करता है, ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है और कम भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर आप देखें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर आप देखें तो वहाँ पर भी हीट चेंज जो है वो आ रही है, उस बेस पे फिर एनिमल अपनी हीट को मेंटेन कर रहा होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कैसे हीट लॉस हो सकती है, किस अंदाज में हीट लॉस होती है या गेन होती है, तो उसके लिए देखें ऑर्गेनिज्म को कुछ कंडीशन फेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कंडक्शन, ठीक है, ये एक छोटी सी एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि कंडक्शन के जरिए वो हीट लॉस और गेन कर सकता है। कंडक्शन क्या होता है? दो बॉडी का आपस में कनेक्ट करना, ठीक है, दो बॉडी या सरफेस है उसका आपस में कनेक्ट करना। फॉर एग्जांपल एक एनिमल है वो ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ है, तो उसके जो फीट हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं सरफेस के साथ, तो वहाँ अगर सरफेस का, उस ज़मीन का टेम्परेचर कम है और उस ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा, तो हीट लॉस होगी जानदार से। दूसरा केस अगर आप देखें कि ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा है और ऑर्गेनिज्म बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो फिर क्या होगा, हीट गेन होगी। ये कंडक्शन के ज़रिए जो है वो इस तरह से हीट एक्सचेंज हो जाती है। इसी तरह अगर आप देखें रेडिएशन, रेडिएशन के ज़रिए भी हीट एक्सचेंज की जाती है। रेडिएशन डायरेक्ट बॉडी सरफेस पे पड़ती है, तो अगर तो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा है तो बॉडी को हीट मिलती है। इसकी आम एग्जांपल आप देखें, सर्दियों में हम धूप में बैठते हैं तो वो रेडिएशन के ज़रिए हमें हीट मिल रही होती है, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत से प्रोसेस हैं, बाय मीन्स ऑफ विंड भी हो सकता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म हीट एक्सचेंज करता है। अब ये हीट एक्सचेंज कैसे हो रहा है? आपने देखा कि जब दो बॉडीज़ के दरमियान हीट का डिफरेंस आ रहा होता है तब वो हीट एक्सचेंज होता है। तो इस हीट एक्सचेंज के रिज़ल्ट में जानदार की बॉडी का टेम्परेचर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, सो दैट इज़ वाई उसको अपना बॉडी टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, रेगुलेट करना पड़ता है, वो हमेशा मेंटेन करके रखेगा। सराउंडिंग से हीट लॉस हो रही है, गेन भी हो सकती है, इस सब के बावजूद ऑर्गेनिज्म को अपना बॉडी टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टेंट रखना पड़ता है, रेगुलेट करना पड़ता है, ठीक है बेटा। अब रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर की बुनियाद पर हमारे पास ऑर्गेनिज्म को कुछ क्लासिफाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉकिलियोथर्म, एनिमल्स, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिसे हम कहते हैं होमोथर्म, होमोथर्म एनिमल, कुछ ऐसे होते हैं जिसे हम कहते हैं एक्टोथर्म, एक्टोथर्म एनिमल, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंडोथर्म, यह हमने टेम्परेचर की बुनियाद पर है इनको क्लासिफाइड किया है। ये सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो लेट डिस्कस वन बाय वन।
फर्स्ट ऑफ ऑल ओकिलियोथर्म की अगर आप बात करें ये ऐसे जानदार होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट ये चेंज कर लेते हैं, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, अगर ये किसी वार्म एरिया में चले जाते हैं, वहां का टेम्परेचर क्या है थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये अपना बॉडी टेम्परेचर उसके मुताबिक कर लेंगे, ठीक है, उस माहौल के मुताबिक कर लेंगे। इसी तरह अगर आप देखें, अगर ये किसी कोल्ड एरिया में चले जाते हैं, वहां का टेम्परेचर क्या है लो है, तो ये अपना बॉडी टेम्परेचर उसके मुताबिक कर लेंगे। दैट मीन ये रेगुलेशन नहीं करते, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते, कॉन्स्टेंट नहीं रखते। जैसे माहौल का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये भी अपना थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे। ऐसे जानदार ज़्यादातर क्या होता है कि ये एक्सटर्नल हीट के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब इनकी मेटाबॉलिक हीट इतनी ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होती, ये एक्सटर्नल हीट पर क्या करेंगे डिपेंड कर रहे होंगे, ठीक है। इनमें अगर आप देखें एग्जाम्पल तो एम्फीबियंस, एम्फीबियंस हैं, उसके बाद इंसेक्ट भी इसमें आ जाते हैं, फिर चंद एक रेप्टाइल्स भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे, कुछ फिशेस भी आ जाती हैं। तो ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखते। आपने अगर बचपन में एक टर्म सुनी हो कोल्ड ब्लडेड, ये वो वाले ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखते, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा होमोथर्म, होमोथर्म्स की अगर आप बात करें तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है विच कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, कि इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये सेम रखेंगे। ये आपने बचपन में टर्म सुनी होगी जनरल साइंस के अंदर 8th क्लास में, वार्म ब्लडेड, ठीक है, ये वार्म ब्लडेड है, ओके बेटा। अगर आप देखिए ना कि इनका एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है, एक्सटर्नल टेम्परेचर वो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन इनका जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो इन्होंने चेंज नहीं होने देना, वो कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, या आप क्या लेकर टॉलरेबल रेंज पे रखेंगे। जैसे इंसान का बॉडी टेम्परेचर ऑप्टिमम 37 है, बट ये 36 से लेकर 37.8 या 38 तक ये रखा जा सकता है, तो ये वहां तक मेंटेन करके रखते हैं। ये इन्वायरमेंट के अंदर चेंज होने वाले टेम्परेचर के साथ साथ ये अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे होते, कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म, तो एक्चुअल में क्या होते हैं, ये है ऑन बेसिस ऑफ हीट प्रोडक्शन, कि देखिए बेटा ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हीट है उसके सोर्सेस कौन से हैं। पहला सोर्स होता है इंटरनल मेटाबॉलिज्म, इंटरनल मेटाबॉलिज्म ये हीट प्रोड्यूस करता है। कैसे हीट प्रोड्यूस करेगा, देखें आपकी फूड जो है उसके अंदर क्या है, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, दरमी भी मैनी अदर मॉलिक्यूल्स। अब इन सबको क्या किया जाता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस से गुजारा जाएगा, जिसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इस सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में एटीपी बनते हैं, इससे फिर हम इस्तेमाल करते हैं एज ए सोर्स ऑफ हीट, ठीक है, इसे हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये होती है इंटरनल मेटाबॉलिक हीट,
तो पहला सोर्स जानदारों के लिए इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेस है कि वहाँ से वो अपनी सारी हीट प्रोड्यूस करवाएं। सेकंड सोर्स है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल हीट गेन करना। ओके, इसमें अगर आप देखें तो वो कंडक्शन वाला प्रोसेस है कि बिरौनी रिसोर्सेज से हीट को गेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखें रेडिएशन, रेडिएशन के जरिए हम हीट को गेन करते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखें सनलाइट डायरेक्ट बॉडी सरफेस पे पड़ती है, उसके अलावा सनलाइट सॉइल को भी हीट अप कर रही होती है, और उसको हीट अप करने से क्या होता है, वहां से भी टेम्परेचर गेन किया जा रहा होता है। ठीक है, सो सनलाइट जो है ये मेन सोर्स है, तो एक्सटर्नल हीट भी क्या होती है, ऑर्गेनिज्म की इंटरनल हीट को बढ़ा देती है। तो इस बुनियाद पर हमने इनको क्लासिफाइड किया है। नंबर वन हमारे पास है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म या एंडोथर्म कह लें। अब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो इंटरनल मेटाबॉलिक हीट, इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये इतनी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सके, यानी इनका एक्सटर्नल हीट के ऊपर डिपेंड नहीं होता। ये मेटाबॉलिक हीट ही इतनी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड अगर आप देखें एक्टोथर्म, एक्टोथर्म ऐसे जानदार होते हैं इनका जो मेटाबॉलिक हीट होती है ना उसमें क्या होता है, देयर इज अ लो प्रोडक्शन, यानी मेटाबॉलिज्म के जरिए जो हीट प्रोड्यूस की जा रही है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। फिर क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल हीट पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे जानदार जो एक्सटर्नल हीट पे डिपेंड कर रहे हो उन्हें हम कहते हैं एक्टोथर्म, एक्सटर्नल हीट उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं, तो इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है फिर एक्टोथर्म। ठीक है, इसमें आप देखें एक्टोथर्म में बहुत से जानदार आ जाते हैं, एम्फीबियन आ जाते हैं, कुछ लिजर्ड्स आ जाते हैं, फिर इनवर्टिब्रेट्स में से बहुत से इंसेक्ट जो है वो इसमें आ जाते हैं जो एक्टोथर्म। एक्चुअल में जो होमोथर्म है वो एंडोथर्म है, जो आपके पास पैकिलियोथर्म्स हैं वो एक्टोथर्म है। ठीक है, होमोथर्म जानदारों का मेटाबॉलिक हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना होता है और ये कर लेते हैं, एक्सटर्नल पे डिपेंड नहीं करते, सो दैट इज वाई दे आर एंडोथर्मिक। ठीक है, जो पैकिलोथर्म्स है ये मेटाबॉलिक हीट कम प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हीट लेते हैं, दैट इज वाई दे आर एक्टोथर्म। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास एक और टर्म है, सो हेटरोथर्मिक ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि इनकी जो मेटाबॉलिक हीट है ना, मेटाबॉलिक हीट ये वैरी करती है। ठीक है, कैसे वैरी करती है, सम टाइम ये बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है और सम टाइम क्या होता है, देयर इज अ लो प्रोडक्शन। ठीक है, कम प्रोडक्शन होती है, लेकिन इनका जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो नैरो रेंज पे ये ज्यादा रेगुलेट नहीं करते, यानी हीट प्रोडक्शन कभी ज्यादा हो रही कभी कम हो रही है, लेकिन टेम्परेचर रेगुलेशन थोड़ी सी इनकी कम होती है, यानी ज्यादा ये डिपेंड नहीं करते कि आप जो है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करें। फॉर एग्जांपल आप देखें हमिंग बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स तेजी से अपना बॉडी टेम्परेचर लॉस करता है, ये छोटा सा बर्ड होता है और तेजी के साथ अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो लॉस कर रहा होता है। अब इसको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ना कॉन्टिन्यूसली फीडिंग करनी पड़ती है, ठीक है, ये मुसलसल फीड करता रहता है, वो बर्ड्स प्लांट के नेक्टर को कॉन्टिन्यूसली सक करता रहता है,
तो उससे क्या होता है, अपना मेटाबॉलिकली इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कि जो टेम्परेचर लॉस हो रहा है इसका, उसको तेजी के साथ क्या कर रहा होता है, रिप्लेस कर रहा होता है। ठीक है, तो अब आप देखें जब ये एक्टिविटीज कर रहा है, फीडिंग कर रहा है, तो इसका बॉडी के लिए बॉडी में जो मेटाबॉलिक हीट है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और जो टेम्परेचर लॉस हो रहा है उसको वो मेंटेन कर रहा है, लेकिन सम टाइम ये क्या करता है, ये रेस्ट पे चला जाता है। रेस्टिंग मतलब फीडिंग नहीं कर रहा, देर इज अ नो फीडिंग। ठीक है, जब भी फीडिंग नहीं कर रहा तो इसकी मेटाबॉलिकली हीट बहुत कम प्रोड्यूस होती है, तो उस दौरान देखें ये रेस्ट कर रहा है तो इसका बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट नहीं करता। ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर अगर लो है तो उसको ही मेंटेन करता है, ये एज इट वो वाला टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेगा। जब ये फीडिंग कर रहा था तो इसका बॉडी टेम्परेचर हाई था तो उसको ये रेगुलेट कर रहा था, लेकिन जब ये रेस्ट पे चला गया तो मेटाबॉलिक हीट कम प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि उसके पास फूड नहीं है और उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, वो उसको मेंटेन भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें तो देखिए बॉडी टेम्परेचर या मेटाबॉलिक हीट जो है वो भी कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, और इस तरह उसने अपना बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट नहीं किया। ठीक है, वो रेगुलेट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, कि देखिए जब वो बैठा हुआ है उसका बॉडी टेम्परेचर लो है, जब वो फीडिंग कर रहा था बॉडी टेम्परेचर हाई था। ठीक है, सो ऐसे जानदारों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेट्रोथर्म। हेट्रो का वैसे ही मतलब होता है डिफरेंट। अब डिफरेंट वो बॉडी टेम्परेचर में भी डिफरेंट है और जो हीट प्रोडक्शन है उसमें भी डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जानदारों के अंदर कौन सी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। अब देखिए इन्वायरमेंट के साथ हीट को एक्सचेंज करने के लिए जानदार के पास बहुत ज़्यादा अडेप्टेशन है ताकि वो अपना टेम्परेचर क्या कर सके, रेगुलेट कर सके, बिकॉज इन्वायरमेंट के साथ वो टेम्परेचर लॉस भी करता है, गेन भी करता है, तो उसको क्या करना है, इसको मेंटेन करना है, रेगुलेट करना है टेम्परेचर को, तो उसके लिए उसके पास अडेप्टेशन है। फर्स्ट अगर आप देखें तो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन में पहले आप देखें हाई टेम्परेचर या लॉस ऑफ टेम्परेचर, उससे बचने के लिए इनके पास कौन सी स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन है। तो फर्स्ट अगर आप देखें बहुत से ऑर्गेनिज्म के पास पिल एज, पिल एज कहते हैं फर को, वो बड़े बड़े बाल जैसे वो होते हैं ना बियर, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, तो इनके पास फर होती है। अब ये जो फर है ये एक्चुअल में क्या करती है, ये इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। ठीक है, हीट को लॉस होने से बचा देती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्किन के अंदर फैटी लेयर प्रेजेंट होती है, वो भी काम करती है एज ए इंसुलेटर। ठीक है, वो भी प्रिवेंट करती है हीट लॉस से। ओके बेटा, अब ये देखिए फैटी लेयर कहाँ होती है, हमारी स्किन के अंदर सबसे टॉप पे होती है एपिडर्मस, उसके नीचे होती है डर्मस, और डर्मस के नीचे हाइपोडर्मस होती है, हाइपो डर्मस। अब ये हाइपोडर्मस में एक्चुअल में एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ये एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, सारी की सारी फैट स्टोर होती है, तो इट इज कॉन्सिडर एज ए फैटी लेयर। तो इन्हें काम करना होता है एज एन इंसुलेटर, ये हीट लॉस को प्रिवेंट कर रही होती है। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें बर्ड्स के अंदर प्लूमेज, प्लूमेज एक्चुअल में कहते हैं फीदर्स को, फीदर बर्ड्स के बाल जो नरम बाल होते हैं उसको हम कहते हैं प्लूमेज। तो प्लूमेज का काम भी यही होता है कि ये हीट लॉस से प्रिवेंट कर रहा होता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में हीट लॉस को ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, तो ये सारी अडेप्टेशन है जो लॉस ऑफ टेम्परेचर से क्या करेगी, कंट्रोल करेगी इन अ लो टेम्परेचर। सेकेंड अगर आप देखें हाई टेम्परेचर, यानी अगर हाई टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को लॉस करवाना है, बॉडी से कम करना है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए इनके पास अडेप्टेशन होती है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड ऐसे स्ट्रक्चर है
ओके, ये सारी वो चीजें हैं जो हाई टेम्परेचर में इनके पास अडेप्टेशन है। स्वेट ग्लैंड एक्टिव होते हैं। आप देखिए स्वेट ग्लैंड के दौरान क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। तो ये वाटर जो लॉस हो रहा है ये एक्स्ट्रा हीट को साथ लेके जाता है। पेंटिंग क्या होती है, पेंटिंग होती है कि ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, माउथ वो ओपन होता है और उसकी टंग प्रोट्यूड होती है, मुंह से बाहर होती है, यानी हांपना किसी चीज का। आमतौर पर डॉग्स और कुछ बर्ड्स के अंदर ये बिहेवियर होता है। बहुत ज्यादा गर्मी में अगर आप डॉग्स को देखें ना, तो उनका मुंह खुला होता है, जबान बाहर होती है और वो तेजी से सांस ले रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से मैक्सिमम हीट लॉस करवा रहे होते हैं, ठीक है। वहां पे इवेपोरेशन हो रही होती है, तो जैसे जैसे इवेपोरेशन होगी उससे क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल में क्या होता है कि कौन सा बॉडी पार्ट क्या काम करता है, तो फिजियोलॉजिकली में ऐसा है कि जब बॉडी के अंदर हाई टेम्परेचर होता है ना और उसको लॉस करना है यानी कम करना है, तो उसके लिए ब्लड ब्लड सर्कुलेशन ये करवाई जाती है। कैसे, हाई टेम्परेचर के दौरान ब्लड को पहुंचा दिया जाता है अपर सरफेस पर, ठीक है, कैपिलरीज के अंदर वार्म ब्लड को ज्यादा से ज्यादा भेजा जाता है ताकि वो बाहर की ठंडी हवा या बाहर से टकराए और हीट लॉस जो है वो होती रहे। इसी तरह अगर आप देखें लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में क्या होता है, ब्लड को डाउन कर दिया जाता है, डाउन द सरफेस, यानी अपर सरफेस से नीचे ब्लड को भेज दिया जाएगा ताकि हीट लॉस ना हो सके। इस तरह फिजियोलॉजी में स्वेट ग्लैंड का एक्टिव होना भी इन्वॉल्व है। ओके, लास्ट वन है हमारा कि बिहेवियरल, ये बिहेवियरल एक्सचेंज होती है। आमतौर पर देखें, ये शायद आपने ऑब्जर्व भी किया हो कि जब सर्दियां होती हैं तो बहुत से रेप्टाइल्स गर्म जगह पे धूप में जाकर जो है वो लेटे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये उनका बिहेवियर है, तो वहां से हीट को गेन कर रहे हैं, गर्म जगह पे बैठे हैं, रेडिएशन उनकी आ रही है तो उसको हीट गेन की जा रही है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें ग्राउंड स्क्वायरल, ग्राउंड स्क्वायरल अगर आप देखें ना, तो ये मिड ऑफ द डे क्या आती है, अंडरग्राउंड चली जाती है, यानी बहुत गर्मियों का दिन है तो ये अंडरग्राउंड चली जाएगी, अपनी बरोस में चली जाएगी, तो वहां हीट लॉस जो है वो नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें बॉडी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को कम किया जाता है हीट लॉस, ये एक कॉमन प्रोसेस है, हम भी करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो हम ऐसे इकट्ठे होके बैठ जाते हैं, यानी अपने बाजू को यूँ फोल्ड कर लेते हैं, लेग्स फोल्ड कर लेते हैं, तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपना बॉडी सरफेस एरिया कम कर रहे होते हैं, ठीक है। जब सरफेस एरिया कम होगा तो हीट लॉस जो है वो भी क्या होगी, कम होगी, तो इससे जो है वो आप लॉस ऑफ टेम्परेचर को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें ये होता है ना अक्सर कि आप जा रहे हैं तो गर्म जगह पे पाँव लगे तो आप थोड़े थोड़े पाँव लगाते हैं, पूरा पाँव नहीं रखते, तो इसकी भी यही रीज़न है कि आप सरफेस एरिया कम कनेक्ट करवा रहे हैं ताकि जो हीट बॉडी के अंदर आ रही है वो कम से कम आए। इसी तरह अगर आप देखें कुछ रेप्टाइल्स, कुछ अदर एनिमल्स में आप देखेंगे ना कि जगह अगर गर्म है और उनको ज़्यादा हीट लग रही है तो वो भी आपने थोड़े से पाँव ना अपवर्ड कर लेते हैं, ठीक है, अपवर्ड कर लेते हैं ताकि हीट लॉस कम हो सके, ठीक है। इसी तरह एम्फीबियन में भी है कि एम्फीबियन अगर एक जगह पे बैठा हुआ है और हीट लॉस हो रही है तो वो क्या करेगा, अपनी पूरी बॉडी को सरफेस से कनेक्ट नहीं होने देगा, ठीक है। यहाँ आप देखें ना तो कि पूरी बॉडी कनेक्ट होगी, लेकिन सरफेस एरिया ज़्यादा सारा टच हो रहा है ना, तो वो क्या करेगा, अपनी बॉडी को थोड़ा सा उठा लेगा और किसी एरिया से कनेक्शन कम कर देगा। देखिए अब उसने क्या किया, सरफेस एरिया कम कर दिया। सो इस तरह से सरफेस एरिया रिड्यूस करके भी हम हीट लॉस या हीट गेन से बच सकते हैं, ठीक है बेटा। सो ये आज का आपका टॉपिक था, होपफुली कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में जाएं, वहाँ पे लिखें, आई विल रिप्लाई यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।